इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे टाइम डायलेशन क्या होता है एंड इसे हम कैसे समझ सकते हैं। टाइम डायलेशन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का बेस्ट एग्जांपल है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब थोड़ा अटपटा है। अगर इसको हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं तो बड़ा अजीब सा हमको लगता है। आइए समझते हैं ये क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम रिलेटिव होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक ही इवेंट के लिए अगर आप अलग अलग जगह से ऑब्जर्व करते हैं, अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं, टाइम अलग अलग आता है। मतलब टाइम स्पीड पर डिपेंड करता है, टाइम वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। जबकि अगर बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स या फिर ओल्ड फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स, तो टाइम क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप टाइम को कहीं से भी ऑब्जर्व करो, किसी भी रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्व करो, टाइम क्या होगा? ऑलवेज सेम होगा। एक इवेंट के लिए टाइम है ऑलवेज सेम होगा, अलग अलग नहीं हो सकता। और यही तो ब्यूटी है टाइम डायलेशन की या स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी की। क्या कहती है? टाइम रिलेटिव होता है और टाइम वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, अगर कोई स्पेस क्राफ्ट है और उसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो सकती है, और अगर आप उसके अंदर कोई स्टूडेंट जिसकी एज 20 ईयर्स है उसमें सफ़र करता है, तो उसके लिए टाइम रेस्ट में हो जाएगा, रुक जाएगा, उसकी एज में कभी भी चेंज नहीं आएगा। दोस्तों आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, इसको समझने के लिए हमने स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी की इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड की हुई है, जिसके दो पार्ट्स हैं, आप उसको जाकर देखिए। इसको देखने से पहले यहाँ पर तो मैथमेटिकली ड्राइव करने के लिए आए हैं। अगर आपको स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के इस कंसेप्ट को समझना है तब आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में इसको देखना। फिर भी आपको इतना याद रखना है, टाइम वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, टाइम रिलेटिव होता है, और टाइम को अगर हम अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं तो टाइम अलग अलग हो सकता है। यही खास बात है। आइए देखते हैं इसको हम किस तरीके से मैथमेटिकली ड्राइव कर सकते हैं। ऐसा मान लेते हैं दो रेफरेंस फ्रेम हैं, एक रेफरेंस फ्रेम ये है जिसका ओरिजिन ओ होगा, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, इसको बोल देंगे सिस्टम एस। दूसरा रेफरेंस फ्रेम ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स डैश, ये हो जाएगा जेड डैश, और ये हो जाएगा वाई डैश, इसको बोल देंगे सिस्टम एस डैश। और यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कि ये रेफरेंस फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, वाई वाई डैश के इक्वल होगा, जेड डैश जेड के इक्वल होगा। क्या यहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे तो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं? ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, लेकिन हमको सिंपली मैथमेटिक्स का यूज करना है, इसलिए हमने इसको वन डायरेक्शनल एज्यूम किया है। अब देखेंगे इस रेफरेंस फ्रेम में एक्स डैश पोजिशन पर कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पर कोई इवेंट होता है जिसका इनिशियल टाइम कितना है टी वन डैश और फाइनल टाइम कितना है टी टू डैश। यहाँ पर ये कोई ऑब्जर्वर है जिसने इसको ऑब्जर्व किया है, जिसके पास ये कोई क्लॉक सी है, इसने देखा इनिशियल टाइम अपनी क्लॉक में कितना था टी वन और फाइनल टाइम कितना था टी टू था। यहाँ पर क्या है, कोई भी इवेंट, मान लो कोई झगड़ा हो गया, कोई मूवी चल रही, कुछ भी हो सकता है, उसका इनिशियल टाइम इसने ऑब्जर्व किया, फाइनल टाइम इसने ऑब्जर्व किया, तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? टाइम इंटरवल हो जाएगा टी नॉट इज इक्वल्स टू टी टू डैश माइनस के टी वन डैश, यानी कि टी नॉट टाइम में ये इवेंट कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर इसी इवेंट को यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है इस रेफरेंस फ्रेम में जो कि रेस्ट में है इसके रेस्पेक्ट में, और इसके पास भी कोई क्लॉक है सी, जब ये देखता है तो इसका इनिशियल टाइम कितना होता है टी वन, फाइनल टाइम कितना होता है टी टू, तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? हो जाएगा ये टी टू माइनस टी वन, यानी कि फाइनल माइनस के इनिशियल। अब हमें इन दोनों टाइम में रिलेशन निकालना है, तो यहाँ पर हम टी नोट को प्रॉपर टाइम बोलते हैं। प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम हमने क्यों बोला? क्योंकि इस रेफरेंस फ्रेम के अंदर ये इवेंट हो रहा है और इस रेफरेंस फ्रेम में ये ऑब्जर्वर और ये इवेंट रेस्ट में है। जबकि अगर बात करते हैं ये वाला पूरा सिस्टम, रेफरेंस फ्रेम, ऑब्जर्वर और इवेंट, इस रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो देखेंगे यहाँ पर एक रेफरेंस फ्रेम रेस्ट में है और एक मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो यहाँ पर टाइम कितना है टी है और यहाँ पर टाइम कितना है टी नोट। हमने इसको प्रॉपर इसलिए बोला है क्योंकि इस रेफरेंस फ्रेम को हम प्रॉपर रेफरेंस फ्रेम बोल रहे हैं, क्योंकि सब कुछ इसी के अंदर हो रहा है।
और ये रेफरेंस फ्रेम इस रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। तो हम जानते हैं लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर टू इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कितना होता है, टी इज इक्वल्स टू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर इंटू अल्फा। ये टी होता है रेफरेंस फ्रेम एस में टाइम, टी डैश होता है रेफरेंस फ्रेम एस डैश में टाइम, और ये दोनों टाइम में रिलेशन होता है। v होती है वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ रेफरेंस फ्रेम s डैश, और x डैश है पोजिशन ऑफ द इवेंट। तो देखेंगे इनिशियल टाइम कितना है t1, तो यहाँ पर हो जाएगा ये t1 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर इंटू अल्फा। यहाँ पर t1, यहाँ पर t1, यहाँ पर v1 क्यों नहीं आया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही। पोजिशन भी क्या है इवेंट की सेम है, ये भी चेंज नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर क्या है ये x डैश, और c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, ये तो कांस्टेंट होता ही है। इसको मान लिया इक्वेशन वन। वैसे हम जानते हैं टी टू डैश इज इक्वल टू, टी टू इज इक्वल टू हो जाएगा ये टी टू डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर इंटू अल्फा। इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड। अब हमको दोनों रेफरेंस फ्रेम में इवेंट का टाइम चाहिए। इवेंट का टाइम क्या हो जाएगा, फाइनल फाइनल माइनस के इनिशियल। हमारे पास में क्या आ जाएगा, इवेंट का टाइम आ जाएगा। इनिशियल कितना है t1, फाइनल कितना है t2, इनिशियल कितना है t1 डैश, फाइनल कितना है t2 डैश। अगर हमको टाइम इंटरवल निकालना होता है तो हम फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसलिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टी टू माइनस टी वन। इस साइड वाली टर्म्स को इस साइड में और इस साइड वाली टर्म्स को इस साइड में। अब देखेंगे दोनों टर्म्स में अल्फा कॉमन है और ये दोनों टर्म्स सेम है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा और पोजीशन में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। ये वाली टर्म्स आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल्स टू टी टू डैश माइनस के टी वन डैश इंटू अल्फा। अगर अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा की वैल्यू होती है वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अगर इसको देखेंगे तो ये टाइम है टी रेफरेंस फ्रेम एस में, तो यहाँ पर आ जाएगा ये टी इज इक्वल्स टू ये कितना है टी नोट रेफरेंस फ्रेम एस डैश में, जो कि है प्रॉपर टाइम। अगर अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये इक्वेशन कहलाती है टाइम डायलेशन की इक्वेशन। आखिर ये क्या बता रही है, तो आइए देखते हैं इसके रिजल्टेंट या कंसिक्वेंसेज। तो पहली कंडीशन हम ये मानते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये बहुत कम है स्पीड ऑफ लाइट से, बहुत ज़्यादा कम, मतलब यहाँ पर देख लेंगे वी इज वेरी 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 लेस देन सी स्पीड ऑफ लाइट। इस सिचुएशन में ये वाली टर्म्स लगभग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उस सिचुएशन में अल्फा इज इक्वल्स टू वन होता है, और जब भी अल्फा इज इक्वल्स टू लगभग वन बोल सकते हैं, लगभग वन होता है, उस टाइम तक क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड होती है, और उस सिचुएशन में टी इज इक्वल्स टू टी नोट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मीन ये हुआ कि अगर ये वाला रेफरेंस फ्रेम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जिसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, उस सिचुएशन में दोनों में टाइम क्या होता है, सेम होता है, मतलब टाइम एब्सोल्यूट हो सकता है। कब, जब स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में वेलोसिटी बहुत कम होती है, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड होता है, पुराना फिजिक्स वैलिड होता है। लेकिन जब v लगभग c के इक्वल हो, यानी कि रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी हो, या ऐसा मान लेते हैं 99% ऑफ c, v कितना हो c के आसपास हो, यानी कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो 99% ऑफ c, उस सिचुएशन में देखेंगे अब ये वाली टर्म्स जीरो नहीं हो सकती है, और जब ये टर्म्स जीरो नहीं होगी उस टाइम पर क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट फेल हो जाते हैं, और क्या आता है, जो टाइम है वो बड़ा होगा टी नोट से। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल टाइम दोनों की क्लॉक में सेम था, ये हमने कंसीडर किया था। कब, जब दोनों रेफरेंस फ्रेम के ओरिजिन सेम थे, हमने क्या बोला था टी इक्वल्स टू टी डैश इक्वल्स टू जीरो। ये कब था, यानी कि ये रेफरेंस फ्रेम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जब दोनों रेफरेंस फ्रेम एक ही जगह पर थे, एक ही पोजीशन पर थे, दोनों का ओरिजिन सेम था, उस टाइम पर दोनों ऑब्जर्वर ने अपनी स्टॉप वॉच को, अपनी घड़ी को जीरो सेट किया था, और हमने क्या माना था इनिशियल टाइम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी टाइम टी पर जब ये इवेंट हुआ
तो दोनों रेफरेंस फ्रेम में एक ही इवेंट के लिए टाइम अलग अलग आया, प्रॉपर रेफरेंस फ्रेम में टाइम कम होगा और जो रेस्ट में रेफरेंस फ्रेम है उसमें टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि जैसे देखेंगे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम जीरो नहीं होगी उस टाइम पर, ये वाली वैल्यू एक से छोटी हो जाएगी, उसका मतलब टी टी नोट से क्या होगा, बड़ा होगा। जब इसकी वैल्यू एक से कम होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जितनी ये वैल्यू छोटी होगी उतना ही ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब ये बराबर तो हो नहीं सकती है। अगर ऐसा हो जाए कैसा, यानी कि अगर इंसानों ने कोई ऐसा स्पेस क्राफ्ट बना लिया जिसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट यानी सी के बराबर हो जाए, जहाँ पर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, उस सिचुएशन में ये वाली टर्म्स क्या हो जाएगी, वन माइनस वन जीरो, मतलब टी इज इक्वल्स टू टी नॉट अपॉन जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हो गया कि इसके लिए टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा। इस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो दोस्तों टी नॉट देखेंगे जीरो हो जाएगा अगर इसको बदलना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर इवेंट नहीं हुआ, इवेंट तो हुआ। इसका सिंपली मीन ये है कि इस रेफरेंस फ्रेम के अंदर टाइम रुक जाएगा। इसको मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मान लेते हैं कोई 20 साल का स्टूडेंट इस रेफरेंस फ्रेम में, ऐसा मान लेते हैं ये स्पेस क्राफ्ट है, मूव कर रहा है, अब आप मौज मस्ती कर रहे हैं स्पेस में, स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, फिर आपकी एज कभी भी चेंज नहीं होगी, आप हमेशा 20 साल के ही रहेंगे। दोस्तों मैं फिर कहूँगा एक बार कि अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, ज़रूर देखें, क्योंकि उसको उसमें मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर कोई स्पेस क्राफ्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर स्पीड से मूव करे तो उसमें टाइम रुक जाता है, टाइम चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन बताता है टाइम क्या होता है, रिलेटिव होता है। अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में टाइम अलग अलग होता है और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अगर किसी रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो उसके लिए टाइम रुक जाएगा। अगर उसमें कुछ आदमी रहते हैं, कुछ जानवर रहते हैं, तो उनकी एज कभी भी चेंज नहीं होगी। यही कहता है स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं टाइम डायलेशन का इक्वेशन। तो दोस्तों क्या क्लासिकल मैकेनिक्स हमेशा फेल होता है, नहीं। जब स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है रेफरेंस फ्रेम की स्पीड, उस टाइम पर क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड होता है। लेकिन जैसे ही रेफरेंस फ्रेम की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होती है, आसपास होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा होती है, उस सिचुएशन में क्लासिकल फिजिक्स के रिजल्ट वैलिड नहीं रहते। उस टाइम पर आती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और ये बताती है टाइम क्या होता है, रिलेटिव होता है। अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में एक ही इवेंट के लिए टाइम अलग अलग होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस लेक्चर सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं, और बहुत जल्दी हम IIT JEE की तैयारी स्टार्ट कराने वाले हैं। BSc का सिलेबस कंप्लीट होते ही हम सोल्व करेंगे पेपर्स लास्ट ईयर्स के, और अच्छी तरीके से पूरे प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर वे में हम IIT JEE को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप चाहें तो हमारी इस लेक्चर सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियोस को, इस लेक्चर सीरीज को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प होगी। और हाँ दोस्तों, मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कभी नहीं बोलता हूँ। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है, आपको ज़रूरत है, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा, हाँ मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप मुझसे कहते हैं, तो मैं आपके लिए पूरी हेल्प करूँगा। लेकिन दोस्तों मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूँ। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ रिलेटेड टू स्टडी। थैंक यू, शुक्रिया।